हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग मैथ पढ़ने की एक जीरो टू हीरो सीरीज स्टार्ट किए थे, उसके अंतर्गत आज मैं आपको डिवीजन के सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने भाग के अर्थ बताए थे, भाग के नियम बताए थे, और यहाँ पर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो बहुत ही शानदार हैं। इन क्वेश्चनों को आप सीख करके कंपटीशन में अच्छे मार्क ला सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ दिख रहा है कि अनुपात के नियम से आप इस तरह के भाग को कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है 3127/5954 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम आइए नेक्स्ट पेज पर, आप इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसा कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इन दोनों नंबरों में रेशियो क्या है। तो रेशियो है आपका, देखिए 3000 है, नियर अबाउट 6000 है, 1:2 इसमें दिख रहा है कि नहीं, ये गुना ये दो गुना है। तो नीचे वाले नंबर में हम क्या करेंगे कि 5994 में हम सोचेंगे कि क्या जोड़ दे या घटा दे कि 0-0 वाली संख्या बन जाए। जैसे 5994 है, अगर इसमें मैं 6 जोड़ देता हूँ, 6, तो लगभग ये 6000 हो जाएगा, है ना। तो ये बताओ, नीचे 2:2 है तो 6 जोड़ना पड़ रहा है, तो ऊपर 1 है तो इसका आधा 3 जोड़ना पड़ेगा, तो ऊपर 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 31030। तो देखिए कितना अच्छा नंबर में चेंज हो गया ये चीज़, यानी कि नीचे वाले नंबर में सोचिए क्या जोड़े घटाए कि वो 0 वाली संख्या बन जाए, और उसके बाद से उसी रेशियो में ऊपर जो है उतना ही जोड़ घटा देते हैं। जैसे नीचे 6 तो ऊपर 3, क्योंकि 1:2 यहाँ दिख रहा है। इस तरह के सवाल सेटिंग करके मिलते हैं एग्जाम में, भाई परेशान होना नहीं है कि कुछ भी मिल जाएगा। अब इसको आराम से आप देखिए इसको कर सकते हैं, ये जो है आपका 0 से 0 कट गया इस तरह से। अब केवल 6 से ही ना भाग देना पड़ेगा आपको, तो जो सवाल कठिन था वो कितना इजी हो गया। 6 से भाग दे देंगे और 0 है तो 2 अंक दशमलव लगा देंगे। तो चलिए 6 से भाग देते हैं, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, इसमें 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 6 × 2 = 12 हो जाएगा, आपका 1 बचेगा तो दशमलव लगाएंगे तो 1 बचेगा, तो आपका जो है क्या हो जाएगा भाई, 6 × 1 = 6 = 4 बचेगा, 4 में अगर आप भाग देंगे तो 40 हो जाएगा, 6 × 6 = 36 हो जाएगा। अब ये 6 × 6 = 36 इस तरह से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी 2 जीरो के कारण अभी दशमलव लगाना बाकी है, इसलिए 2 अंक और दशमलव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 अंक और दशमलव इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 0.52166 आपका क्या हो गया आंसर, यानी 0.52166 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, दशमलव संख्याओं का भाग। बहुत ही मस्त क्वेश्चन ये भी है भाई। अगर ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व करना है कि दशमलव वाली संख्याएं ऊपर भी लिखी है नीचे भी लिखी है और इसका कैलकुलेशन करना है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें दशमलव को हटा करके विदाउट द डेसिमल के इन नंबरों को लिखना पड़ेगा। और जैसे आप सिंप्लीफाई करते हैं वैसे कर लीजिए, और दशमलव लास्ट में उसका हिसाब करेंगे। जैसे अंश में दशमलव कितने हैं भाई, 2 स्थान इसमें है, 1 स्थान इसमें है, 1 स्थान इतने हैं, यानी 2 × 2 = 4 स्थान ऊपर है, और नीचे कितना है, 2, 3, 5, 1, 6 स्थान है। तो यहीं पर सीखना है ट्रिक है। अगर नीचे अधिक है, कितना अधिक है, 2, 4 ऊपर है, नीचे 6 है, 2 अधिक है, तो रिजल्ट पर 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी नीचे अधिक होगा तो 0 बढ़ा देंगे। और यही अगर ऊपर 6 स्थान रहता, नीचे 4 स्थान, तो ऊपर 2 स्थान अधिक होने के कारण जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 स्थान आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। बात समझ गए, तो आइए इसको हम नेक्स्ट पेज पर सीखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, तो जैसे मैं सिखाया उस तरह से करते हैं इसको। पहले हम इसको लिख लेंगे 85 × 96 × 25 / 17 × 5 × 16, इतना इजी पहले इसको हम बना लेंगे। अब 17 से 5 बार में कट जाएगा, 5 से 5 बार में कट जाएगा, और 16 से 6 बार में कट जाएगा। आपका रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया 5×6 = 30, 30×5 = 150, 150 इस तरह से रिजल्ट आ चुका है, ठीक। अब हम दशमलव को काउंट करेंगे, 2, 3, 4, 4 स्थान ऊपर दशमलव है, नीचे
एक तीन चार दो छः स्थान है। तो भाई अभी पीछे मैंने बताया कि नीचे अधिक होगा तो जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो दो स्थान ये अधिक है नीचे, इसलिए दो जीरो इस पर बढ़ा देते हैं, तो आपका आंसर आ चुका है। बहुत ही मस्त ये तरीका है इस तरह के क्वेश्चन करने का, आप लोग कर सकते हैं। ऐसा ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का आपको मिलेगा, जैसे ये भाग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर लिख दिया हूं मैं कि एक बार अवश्य इसे देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अगर आता है तो आप जो है लॉन्ग मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत टाइम ले लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। करना क्या है कि तीनों नंबरों का ये मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ दिख रहा है, तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें 13 से भाग दे के शेष बचा देना है। लेकिन ये तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करना बोरिंग है, इसलिए इसके आप क्या करेंगे कि इस 13 से जो है इसके नीचे लिख देंगे ऐसे 13। समझिएगा, जगह नहीं है इसलिए आराम से यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। 13 से इसमें भाग देंगे या जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिखेंगे, जैसे 13 दूनी 26, 26 इसमें होगा तो 4 4 8 बचेगा, 87 हो जाएगा, 13 6 78 यानी 9 शेष बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें से भाग देंगे तो 13 चौके 52, 13 दूनी 13 एकम 13, 9 बचेगा इसमें भी, ठीक है। और इसमें 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13 11 बचेगा, 111 हो जाएगा, 13 7 91 13 8 104 यानी कि 7 इसमें बच जाएगा। अब सोचिए ये हो जाएगा आपका 81, ये हो जाएगा 7, फिर इसमें 13 से उसी तरह भाग देंगे तो 13 से भाग देंगे 13 6 78 3 बचेगा, और यहाँ पर 7 है और बटा में 13। अब आप देख सकते हैं ऊपर जो है सत्तरी के 21 हो चुका है, और 21 में हम 13 से आराम से भाग दे के शेष बता सकते हैं, 13 एकम 13 और 8 21, आपका रिमाइंडर हो गया 8। यानी इस तरह की संख्याओं को सॉल्व करने का यही तरीका है कि हम सारी संख्याओं में भाग देकर रिमाइंडर को लिखेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक वो इजी हो ना जाए, अंत में हमारा भाग दे करके शेष बता सकते हैं। समझ में आया? आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि 4 5 2 स्टार 3 1 में स्टार के स्थान पर छोटी छोटी कौन सी संख्या रखे कि यह 3 से विभाजित हो जाए। मैं इन क्वेश्चनों को फेसबुक पर भी अपलोड किया था ताकि आप लोग उसको आंसर दें, बहुत कम लोग दिए आंसर, इसलिए मैं इसको सॉल्व करके भी डाल दे रहा हूँ। जैसे इसमें हमको पता है कि कोई भी नंबर 3 से तभी विभाज्य होती है जब उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो इसको जोड़ेंगे 4 5 4 5 2 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 5 9 2 11 11 3 14 1 15 हो रहा है भाई। 15 तो हम देख रहे हैं कि 3 से ऑलरेडी विभाज्य हो रहा है, हो रहा है ना, इसलिए हम स्टार के जगह पर अगर 0 रख दे तो विभाज्य हो जाएगा, तो इसलिए छोटी छोटी कह रहा है तो 3 रहने दिया जाए, नहीं तो 0 में तब तक 3 जोड़ते जब तक एक अंक की संख्या मिले, जैसे 0 धन 3 3 3 धन 3 6 6 धन 3 9 9 धन 3 12 हो जाएगा, तो बड़ी से बड़ी 9 रखा जा सकता है, छोटी से छोटी 0 रखा जा सकता है। जैसे कि विभाज्यता के नियम को बताया गया था कि वही संख्या 3 से विभाज्य होती है जिसके सारे अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी विभाज्य हो रहा है तो हमें स्टार के जगह पर 0 रख देना चाहिए, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को ये क्वेश्चन सब समझ में आए होंगे भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है आप इन क्वेश्चनों को सीख भी रहे हैं और साथ ही साथ इस चैनल का ग्रोथ भी हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।